इस वीडियो में मैं Honor View 10 और OnePlus 5T का कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूं। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और OnePlus 5T और Honor View 10 का रिव्यू मैंने कर दिया है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोनों ही हैंडसेट्स डुअल कैमरास के साथ में आते हैं जो रियर साइड पर है, और दोनों ही हैंडसेट्स पर 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास हैं। वैसे देखा जाए तो Honor View 10 बेहतर ऑप्शन है क्योंकि OnePlus 5T से वो सस्ता है, और जो Honor View 10 है ये AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जो इसे एक बहुत ही एडवांस किस्म का स्मार्टफोन बना देता है। तो घूम फिर के हर एक चीज़ इस पर आ जाती है कि किस हैंडसेट का कैमरा बेहतर है, और इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। कैमरा कंपैरिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फोटोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जब कभी आप कैमरा कंपैरिजन करते हैं तो कुछ टेक्निक्स होती है वो आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी अगर आपने गलती कर दी तो जो कंपैरिजन रिजल्ट्स है उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख सकता है। तो मैंने कुछ शॉट्स खींचे हुए हैं स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर दोनों ही हैंडसेट्स का उपयोग कर, देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसा है। अब ये शॉट को अगर आप देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो OnePlus 5T से मैंने खींचा हुआ है। OnePlus 5T जो बैकग्राउंड ब्लरिंग है वो थोड़ा सा कम करता है, और ये जो शॉट देख रहे हैं आप ये काफ़ी नेचुरल लग रहा है, जबकि अगर आप Honor View 10 का शॉट देखें तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया है और जो वाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। बैकग्राउंड अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक ब्लर कर दिया है, जिससे ये जो हाइड्रेंट है ये थोड़ा सा और खिल के आ गया है। तो देखा जाए तो किसी किसी को ये शॉट अच्छा लगेगा, किसी को ये शॉट अच्छा लगेगा। वैसे दोनों ही शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही कैमरा जो है वो अलग अलग एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका आउटपुट भी आपको थोड़ा सा अलग अलग आएगा। वैसे काफ़ी अच्छा शॉट्स ले लिया है दोनों ने। अब ये दूसरा शॉट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही हैंडसेट्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसे खींच लिया है। अब इस शॉट को देखिए, ट्री का शॉट जहाँ पर एक रस्सी लगी हुई है। अगर आप ये शॉट को देखें, OnePlus 5T ने जो खींचा हुआ है ये काफ़ी नेचुरल आया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से कंपोज भी हो गया है, बैकग्राउंड भी अच्छी तरीके से ब्लर हो गया है। जबकि अगर आप Honor View 10 पे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, पीछे जो ब्लरिंग इफेक्ट है वो भी थोड़ा सा अजीब तरीके से हो रहा है। किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चमक रहा है, और यहाँ पर आपको वैसा चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये जो OnePlus 5T है एक नेचुरल तरीके से फ़ोटोज़ को प्रिजर्व करता है, जबकि Honor View 10 उसको थोड़ा सा और एनहेंस कर देता है। अब डिपेंड करता है कि किसी किसी को ऐसे टाइप के फ़ोटोज़ अच्छे लगते हैं, किसी किसी को ऐसे टाइप के फ़ोटोज़ अच्छे लगते हैं, तो उसके बेसिस पे आप जा सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पर OnePlus 5T का जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से वो कंपोज हो गया है। अब अगला शॉट देखते हैं जिसमें मैंने यही पेड़ को जिसमें रस्सी लगी हुई है उसे एक अलग एंगल से खींचा हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखें, फिर से OnePlus 5T एक बहुत ही नेचुरल शॉट आपको देता है, जबकि Honor View 10 आपको थोड़ा सा और उसे थोड़ा सा और एनहेंस्ड कर देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन जो खास चीज़ आपको देखने लायक है, जो आपको शायद अब तक नज़र नहीं आई होगी, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो OnePlus 5T की तरफ देखते हैं। OnePlus 5T में थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये रस्सी पे ध्यान दीजिए, ये देखिए किस तरीके से रस्सी को जो एजेस है उसने किस अच्छी तरीके से इसे प्रिजर्व किया है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट आ गया है, तो उतना तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन रस्सी को इसने काफ़ी अच्छी तरीके से जो एजेस है उसे डिटेक्ट कर लिया है। जबकि अगर आप ये जो Honor View 10 से खींचा हुआ शॉट पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए रस्सी का जो एजेस है वो इतनी अच्छी तरीके से आया नहीं है, रस्सी जो है वो बैकग्राउंड के साथ में मिक्सअप हो गई है। तो ये देखिए, तो ये एक अंतर है जो आपको काफ़ी शॉट्स में दिख जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि OnePlus 5T जो एजेस है वो काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से प्रिजर्व करता है, जो Honor View 10 काफ़ी सिचुएशंस में अच्छी तरीके से प्रिजर्व नहीं कर पाता है। इसे जूम आउट कर देता हूँ, ये लीजिए, इसे जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए। अब ये जो शॉट है इसमें ये जो पेड़ है इसके ऊपर मैंने फोकसिंग किया हुआ है, और जो बैकग्राउंड है देख सकते हैं कि ब्लर हो गया है, और ये जो शॉट है ये सूर्य अस्त के समय लिया हुआ है। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो OnePlus 5T काफ़ी नेचुरल फ़ोटोज़ खींचता है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये और ब्राइट हो गया है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है, दोनों ही शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब ये है लॉन्ग शॉट, और देख सकते हैं कि दोनों ही हैंडसेट्स ने काफ़ी अच्छी तरीके से
काफ़ी डिटेल्स को कैप्चर कर लिया है। इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये जो शॉट है लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वन प्लस 5T से खींचा हुआ है, और जो राइट हैंड साइड पर है वो व्यू 10 से खींचा हुआ है, ये देखिए। और ये जो दोनों शॉट्स है ये मैंने नॉर्मल मोड में खींचा हुआ है, डुअल कैमरास का उपयोग नहीं किया हुआ है। चलिए अब नाइट शॉट के बारे में बता देता हूँ। ये जो नाइट शॉट है या लो लाइट शॉट है, ये मैंने वन प्लस 5T से खींचा हुआ है ऑटो मोड में। ऑटो मोड इतना इफेक्टिव नहीं है इसलिए मैंने मैनुअल मोड से ये शॉट खींचा हुआ है। मैनुअल मोड काफ़ी इफेक्टिव है वन प्लस 5T हैंडसेट पर। और ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने राइट हैंड साइड पर, और ये मैंने व्यू 10 से खींचा हुआ है। देखा जाए तो वन प्लस 5T का जो शॉट है काफ़ी अच्छा है, व्यू 10 ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर। और ये जो शॉट मैंने लिया है व्यू 10 पर, ये मैंने नाइट मोड का इस्तेमाल करके किया हुआ है। जब आप नाइट मोड का इस्तेमाल करते हैं तो जो कैमरा है वो 30 सेकेंड तक शूट करता रहता है, इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक ट्राईपॉड स्टैंड का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, उससे आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वन प्लस 5T का जो शॉट है इसे मैं अगर जूम इन करता हूँ, ये देखिए, और ये जो शॉट मैंने व्यू 10 से लिया हुआ है इसे भी मैं जूम इन करता हूँ तो देखते हैं कि कुछ हमें अंतर दिखता है या नहीं। ये देखिए, तो ये वन प्लस 5T का जो क्लैरिटी है वो ज़्यादा है, यहाँ पर आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए, तो जो क्लैरिटी है वन प्लस 5T पर बेहतर है, मतलब कि वन प्लस 5T बेहतर शॉट्स खींच सकता है। तो आपने देखा कि वन प्लस 5T काफ़ी सिचुएशंस में काफ़ी अच्छा शॉट्स खींच लेता है, जबकि व्यू 10 कुछ सिचुएशंस में काफ़ी अच्छा शॉट्स खींच लेता है। जब लो लाइट शॉट्स की बारी आती है, मतलब कि क्लैरिटी की अगर बात करें, तो वन प्लस 5T में जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया उसकी जो क्लैरिटी है वो बेहतर है व्यू 10 से। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी कोई OS अपडेट आता है, तो अगर कैमरा का कोई अपडेट आया हुआ है तो हो सकता है कि जो क्वालिटी है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही हैंडसेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो वन प्लस 5T थोड़ा सा बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।